कब पहुंचेंगे? I'm hungry. Come on यार दीपाली, अगर कुछ खाना है तो कहीं रुक के कुछ खा लेते हैं ना। ये क्या जिद पकड़ रखी है तुमने कि घर पहुंच के ही कुछ खाओगी? अपनी हालत के बारे में ऐसी तो हालत है, इसीलिए तो रास्ते में नहीं खा सकती ना। तो ऐसी हालत में ट्रैवल करना जरूरी है क्या? हम डिलीवरी होने के बाद भी तो आ सकते थे। ये हो जाता वो हो जाता के चक्कर में 8 साल बीत गए। वापस अभी हमारी अंकिता को देखे बगैर ही हमें छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि हम उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। अरे यार तुम गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ। वो हुकुम भाईसा की ऐसी हालत है ना, इसलिए धीमे चला रहा हूँ, वरना अब तक तो हवा से बातें करते। गांव में कठे जाना बताया कौन है आपने? जवाहर हवेली ले लो। कहा हुकुम? जवाहर हवेली। जवाहर हवेली हुकुम? इतना घबरा क्यों रहे हो तुम इस बात पे? कुछ नहीं हुकुम, उस हवेली के बारे में अजीब अजीब सी बातें सुनी है। What nonsense? ऐसा कुछ नहीं है, घर है वो मेरा, पला बड़ा हूं मैं वहां पर। बातें सुनी है, बस एक बार मासा राजी हो जाए उस हवेली को बेचने के लिए। कौवा कहां से है? भाई देख कह रहे हो, हटाओ इसको। जी हुजूर। अरे जयवंत भाई सा, कम्मा गणी सा। भाई साहब गाड़ी खराब हो गई। अरे बलवंत आओ सा, कम्मा गण। अरे बलवंत आओ सा, सुनो तो। देख लिया, गांव जाना है, गांव जाना है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, क्यों मुंह सुजा के बैठे हैं सारे के सारे। काम डाउन सब, चलो चलो। दोबारा कभी शक्ल नहीं देखूंगा इस गांव की, बस एक बार ये हवेली बिक जाए। कौन सा गाँव है बेटा? ये खेजरना गाँव। खेजर? छोड़ चल। अरे जमुना दाई, खमा गणी, मासा कैसी है? देख रहे आए हो, जिंदा है कि मर गई? अंदर है, जाके मिल लो। अरे पर जमुना दाई, आप कहाँ चल दी? काम है मन्ने, और कल भी ना आऊंगी मैं। एक दिन तो अपनी मासा को संभाल सकते हो ना? चलो।
पासा 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 जमुना कटे गई जमुना मासा मासा कमा गणी पड़ा गणी कमा मासा मासा कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। ऐसी हालत में भी थारे से मिलने के लिए यहां पर आई है। कोई बात नहीं समर, मासा है, हक है इनका। और वैसे भी मैं तो आई हूं यहां माफी मांगने हूं। कोई ना है यहां माफ करने के लिए। जा, सब चले गए, तुम ही जा, जा चला जा, चला जा, चला जा, जा। मैं कह रही हूं ना जा, चला जा, चला जा, चला जा छोड़े, जा, क्योंकि इस घर में चला जा छोड़े, जा। मासा, मासा शांत हो जाओ मासा। जा, जा। हो गई तसली, कहा था ना मैंने कोई फायदा नहीं है वहां पर जाने का, कुछ नहीं होने वाला है, चलो अब यहां से। नहीं समर, उनकी हालत तो देखो, ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इन्हें और तकलीफ मत दो प्लीज। ठीक है मम्मा, मैं हवेली देखने बाहर जाऊं। बेटा पहले कुछ खा, उसके बाद देख लेना प्लीज मम्मा। अच्छा ओके, बट हवेली के बाहर मत जाना, अंदर ही खेलना। ठीक है ओके। जाओ। समर, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ अगर कुछ खाने को है तो। ठीक है। क्या हालत बना रखी है आपने, कोई डॉक्टर वॉक्टर को दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? कितनी बार कहा है मैंने कि बेच दो इस हवेली को, अच्छे दामों में बिक जाएगी। आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वृद्धाश्रम दिख रखा है मैंने, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहां पर, चारों तरफ लोग होंगे, खुश रहोगे।
तूने क्या क्या चुराया तूने? मासा मासा, बस वो रस्सी को मैंने तुझे तुझे अपनी मौत बुलाई है रस्सी खोल के। छोरी रस्सी खोल के क्या हुआ? ये वो आ गई, वो आ गई, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी सबको, मार डालेगी। कौन नहीं छोड़ेगी मासा? कोई भी तो नहीं है मासा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं। ये देखो दीदी ऐसे ही ना, ये अंकिता। आ गई वो, आ गई वो, आ गई आ गई। बात कर रहे हो आप? वो देखो वाह दीदी से। दीदी कहाँ है दीदी अंकिता? मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही दीदी। वो देखो वहाँ है पापा, देखो ना पापा, उसने मुझे गुड़िया भी दी है। वो देखो देखो मम्मा छुट्टी है ना। अंकिता चलो ये मजाक बंद कर। नहीं 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 रोहित, ये मजाक नहीं कर रहे। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? पुटरी। ये इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोलने की जगह आखिर राजस्थानी में पुटरी क्यों बोलेगी? ये इस गांव में पहली बार आई है और यूएस में से ये वर्ड सुना भी नहीं है तो चलो अंदर। क्या हुआ? अचानक से कमर अकड़ गई, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भारी सा है। समय समय अब तो मुझे डर लग रहा है। तुम्हें याद है उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा था? उस हवेली के बारे में अजीब अजीब सी बातें सुनी हैं। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। चल चलो अंदर चलो। जल्दी करो ना, हमारा भूख कंट्रोल नहीं हो रही। या, बस खाना बर्बाद हो गया। सॉरी दीपाली। अंकिता आप चिल्लाए क्यों? पापा आप दीदी के ऊपर बैठने वाले थे इसलिए। कौन दीदी? कहाँ दीदी? यहाँ कोई दीदी नहीं है। क्या दीदी दीदी लगा के रखा है?
अंकिता मजाक की भी हद होती है। अब मुझे खाना भी नहीं। दीपाली एटलीस्ट एक एप्पल तो खाती हुई चली जाओ। मैं सोने जा रही हूं। मार डालेगी सबको, मार डालेगी। सॉरी पापा। तो सो गए, चलो अब आप भी सो जाओ। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। इसमें डरने वाली कौन सी बात है बिटू? और यहाँ पे देखो मम्मा भी सो रहे हैं आपके पास। मैं नीचे से पानी भर के लाता हूँ और मैं यूं गया और यूं आया। ओके चलो। आप मेरी स्ट्रांग बेटी हो ना। आ, आ, आ। क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैं रूम में छोड़ के आया था ना। आपके फेस पर क्या हुआ पापा? कुछ भी नहीं। तुम नीचे क्यों आई? पापा मुझे नींद ही नहीं आ रही है और बहुत डर लग रहा है। आप चल के सुला दीजिए ना प्लीज। अच्छा ओके चलो। मारे को जैसे ही पता चला कि आप लोग आए हैं तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए चलूं। आप हुकुम साह का पिंडदान करने ही आए हैं ना? नहीं, लेकिन आप हुकुम साह के अंतिम संस्कार के वक्त तो नहीं थे और आप तो जानते हैं कि बेटे के बिना ये सब कहां होता है। वो पुरोहित जी, उस वक्त मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं यहां नहीं आ पाया, पर मैंने वीडियो कॉल पे पूरा अंतिम संस्कार देखा था। विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, हमें कभी भी अपने रीति रिवाजों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो समय, ये पितृपक्ष चल रहे हैं और ये बहुत अच्छा समय है, आप उनका पिंडदान कर दीजिए। कहते हैं कि अगर पिंडदान नहीं करते तो परिवार में तरह तरह के कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। प्रणाम पुरोहित जी। प्रणाम प्रणाम। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जो मैंने कहा उस पर विचार करना। समय पुरोहित जी किस बात पर विचार करने के लिए कह रहे थे? पुरोहित जी कह रहे थे कि हमें बापू साहब का पिंडदान कर देना चाहिए। शायद घर में जो भी अजीब सी चीजें हो रही हैं, ये उसी की वजह से हो रही हैं। नहीं सम, बात सिर्फ पिंडदान की नहीं है, वजह कुछ और भी। खैर छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है।
तुम्हें? समर अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया मैंने, बस एक वड़ा खा लेती हूँ। वाली पर ये पिंडदान का खाना है और ये पिंडदान करने से पहले नहीं खाते हैं, तुम एक काम करो तुम कुछ और खा लो। नहीं नहीं रहने दो, वैसे भी थोड़ा ही टाइम बचा है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बना, चलो। खाना क्यों नहीं खा रहे है ना, बड़ी अजीब बात, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ की परंपराएं और रिवाज ही कुछ ऐसे हैं, जब तक कौए भोजन नहीं कर लेते पिंडदान पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ दो ही काम महत्वपूर्ण है, पहला अस्थियों का विसर्जन और दूसरा पिंडदान, जो हम अभी कर रहे हैं। आप लोगों ने अस्थियां विसर्जित तो कर दी है ना? कुछ कह नहीं सकते पंडित जी कि बापू सा की अस्थियां विसर्जित हुई है या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। अब समर कुछ करो ना, कुछ भी करके इन्हें खाना खिलाओ, वरना इस तरह और भूखी रही तो मेरा ही पिंडदान करना पड़ जाएगा। रुको कुछ करता हूं मैं। संभालो अपने आप को, ये तो कोई प्रकोप है, भागो। हमें भागना होगा, मेरी भी कमर में दर्द है, पर हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। चलो अच्छा काम करते, तुम वहां पर चुप जाओ, मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ क्या कर रही हो? और जमुना ताई कहाँ? वो तो चली गई। चली गई? चल अंदर चल चल। समय। ये सब क्या है? ये राग कहाँ से आई? Yes.
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं ढूंढ के लाऊंगा अंकिता, मैं ढूंढ के लाता हूं, आराम से रुको रुको। अंकिता 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 बापू साहब। अंकिता 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 ये राग कहाँ गायब हो गई? किसी को नहीं छोड़ेगी। मासा मासा ने कहा तो कोई है यहाँ पर, मासा को सब कुछ पता होगा। मासा 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 अंकिता अंकिता को कोई ले गया मासा। माजा आपको पता है ना, आपको पता नहीं सब किसने किया? आपने मुझे कहा था, आपने मुझे चेतावनी भी दी थी। माजा बताओ ये सब कौन कर रहा है? माजा मेरी बच्ची कहाँ है? माजा मम्मा कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? पता है मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। सुना तुम्हें कोई टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तेरी मम्मा तुझे कुछ नहीं होने देगी बेटा। पर आपने तो कहा था आप मेरी मम्मा नहीं। मासा घर में कौन है बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे घर में कौन है? तेरी बड़ी बेटी सोना। ये कैसे हो सकता है मासा? सोना ये सब कैसे कर सकती है? क्योंकि सोना जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, वो बदला लेना चाहती है अपनी मौत का बदला। लेकिन फिर भी आपने मुझे मार दिया था।
याद है? याद है? या, या, भूल गए, भूल गए। बढ़िया इसी मेरी बेटी बन गई, तेरी मौत तो मर गई लेकिन तुझे मेरे लिए छोड़ गई। मैं तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं तुझे। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने मुझे जाने दिया था जो मैं तुम्हें जाने दू, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया था। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी कहां पता था छोरे, सोना चली गई, तुम लोग भी चले गए, फिर अचानक मुझे एक संदूक मिला। दादी साहब, दादी साहब, मुझे निकालो दादी साहब, मासा ने मुझे कब से बंद करके रखा है। सोनो बेटा, कब से बंद है? सोनो बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मासा मुझसे। दीपाली ने जो कहा मैंने सब कुछ सच सच मान लिया। अब भी बच्ची को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं क्या करूं मासा, मैं क्या करूं? इतने सालों से मैंने उसे सीने से लगा के रखा था, तूने वो रस्सी खोल दी, अच्छा नहीं किया। लेकिन मासा अंकिता, सोना ये सब अंकिता के साथ क्यों कर रही? गलती तो मुझसे हुई है ना, अगर सोना को कोई सजा देनी है तो वो मुझे दे, मैं तैयार हूं उसकी सजा के लिए। पर मेरी बच्ची अंकिता को तो छोड़ दे कम से कम। गलती तो मुझसे हुई है ना, अगर सोना को कोई सजा देनी है तो वो मुझे दे, मैं तैयार हूं उसकी सजा के लिए। किस किस गलती की सजा भुगतेगा तू? बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब।
बाबूसा मुझे माफ कर दो, बाबूसा मुझे माफ कर दो, बाबूसा छोड़ो मुझे, मुझे मुझे माफ कर दो बाबूसा, छोड़ दो बाबूसा, बाबूसा 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 मुझे माफ कर दो, छोड़ दीजिए उसे, वो आपका बेटा है बाबूसा। पानी दे दो बच्चे को, पानी दे दीजिए उसे, पानी दे दीजिए। मैं भी बहुत प्यासा था, तुझसे आखिरी समय मिलने के लिए बहुत प्यासा था, अरे तूने क्या किया, ना अच्छा बेटा बन पाया से ना ही पिता। मुझे माफ कर दो बापू सर, मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, आपको जो सजा देनी आप मुझे मारना मुझे मारो, पर मेरी बेटी अंकिता को छोड़ दो बापू सर, अंकिता को छोड़ दो बापू सर, गलती तो सोना के भी ना थी, और मारे में क्या गलती थी, तूने मुझे मुकाबले देना तो दूर, मेरी अस्थियां भी विसर्जित थी। मुझे माफ कर दो बापू सर, मुझे माफ, अंकिता मेरी बच्ची, अंकिता तू कहाँ चली गई थी? सॉरी पापा, मैं खेलते खेलते स्टोर रूम में सो गई, ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे दादा सा ने दिया, क्या है? दीपाली
दीपाली, दीपाली, दीपाली उठो, दीपाली, दीपाली उठो। पापा कुछ नहीं बेटी, अचानक से कमर अकड़ गई। पापा, आप दीदी के ऊपर बैठने वाले थे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, चलो।